यूपी में खुले जानवरों की वजह से किसान बेहद परेशान है। आवारा घूमते जानवरों ने किसानों की हजारों बीघे फसल को बर्बाद कर दिया है। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए रात रात भर जागकर अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी इसका कोई स्थायी उपाय नहीं निकाल पा रही है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। यूपी में आवारा मवेशी किसानों के लिए सरदर्द बन गए हैं। जानवरों के खुले घूमने से लगातार किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही अवैध बूचड़ खानों को बंद करा दिया था, इसका खामियाजा अब सामने आ रहा। लोगों की छुट्टा पशु अब हरे भरे खेतों में तांडव कर रहे हैं। इन छुट्टा जानवरों से परेशानी का आलम यह है कि कहीं गौवंश को भगाने को लेकर किसानों में आपस में मारपीट हो रही है। रात के 5-6 बजे पे बेचार आए 15-20 और बुन आए के खेत में लट्ठा तोड़ियो, लट्ठा तोड़ के धुतिए तो खोबुआ में गुटे सब बर्बाद कर दो। तो कहीं किसान अपनी फसल बचाने के चक्कर में इन्हें दूसरे खेतों में हाथ दे रहे हैं। कई बार यूपी में गोवंश को लेकर कई घटनाएं भी सामने आई हैं, जिसमें गौरक्षकों ने कई लोगों को गाय को मारने के आरोप में हत्या कर दी, जिससे सरकार की कई बार किरकिरी भी हुई है। अभी कुछ दिन पहले जानवरों के आतंक से परेशान अलीगढ़ के किसानों ने जानवरों को पकड़कर सरकारी स्कूल में बंद कर दिया, जिसमें सरकार ने उल्टा ही किसान पर ही मुकदमा दर्ज करा। इस समस्या के पीछे एक और भी कारण है। जहां पहले लोग जानवरों से खेती करते थे तो वहीं अब तमाम तकनीकी पर निर्भर हो गए हैं। लोग अब जानवरों को दूध न देने पर उन्हें ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं, जो बाद में फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तमाम सवालों के बाद आखिरकार सरकार ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दिया कि 10 जनवरी तक सभी जिलों में अस्थायी तौर पर गौशाला का निर्माण कराएं, जिसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं। यूपी में अब योगी सरकार ने गौशाला के नाम पर 0.5% का सेस लगाने का भी फैसला किया है। गौवध बंदी की सख्ती पर सरकार की तारीफ तो हुई, लेकिन छुट्टा गौवंश की फौज जब बढ़ने लगी तो इसका सीधा असर किसानों पर पड़ने लगा। सरकार की अधूरी तैयारियों का खामियाजा किसानों को उठाना पड़ा। तो देखिए कैसे खा लिए ये, अब तक ये बाल पर आ जाते इसमें बाल ही निकलती, लेकिन अब ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें हमारा पूरी मेहनत गई, सब कुछ हमारा गया इसमें। हम क्या करें, हम क्या खाएं, अब क्या रहें, कैसे रहें। और ये समस्या केवल किसी एक इलाके की नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के हर ग्रामीण इलाके में एक ही जैसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।